मुंब्रा पुलिस ने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ये एफआईआर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टीवी डिबेट के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुंबई में रजा एकेडमी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, मगर अब मुंब्रा पुलिस स्टेशन में फरियादी मोहम्मद गुफरान अकमल खान की शिकायत पर नुपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295A, 298, 505 के तहत मामला दर्ज किया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सामने एफआईआर दर्ज होने तक ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के तमाम उलमा इकराम मौजूद रहे। इस दौरान मुफ्ती अब्दुल बासी साहब ने कहा है कि एफआईआर ज़रूर दर्ज हो गई है, मगर उसे गिरफ्तार करके थाने कोर्ट में पेश किया जाए। क्या मामला है आज इमाम काउंसिल के जिम्मेदारों ने यहाँ पर क्या मामला है? ये नबी पाक से सलम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी नुपुर शर्मा बीजेपी स्पोक पर्सन की तरफ से, उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत तरीके से एफआईआर हो गई है और उस पर कार्रवाई होगी। वकील हजरात भी हमारे साथ थे, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से शहर के उलमा इकराम भी थे। सीनियर के साथ मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में डीसीपी से बात होने के बाद में एफआईआर ले ली गई है और एफआईआर की कॉपी आपके सामने है और हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन हो और उसको गिरफ्तार करके थाना लाया जाए, यहाँ पुलिस चौकी में लाया जाए। जैसे इससे पहले एक महात्मा गांधी के मामले में केस हुआ था, कालीचरण करके एक मसला था उस पर, और थाना में केस हुआ और उसको बाकायदा अरेस्ट करके लाया गया। ऐसे हमारा डिमांड ये है कि जिस तरह एफआईआर हुई है और जिस कारण कायदे में एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उनको अरेस्ट करके यहाँ मुमरा लाया जाए और यहाँ पर क्या कहते कोर्ट में उनकी पेशी होनी चाहिए। इस तरीके की लगातार हमले होते, आप रसम की शान में गुस्ताखी की जाती, इस्लाम को निशाना बनाया जाता, इसके लिए क्या करेंगे? ये दुश्मन ताकतों की एक साजिश है जो एक तरफ से अगर मुसलमानों के दुश्मन हैं तो मुल्क के भी दुश्मन हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी दुश्मन हैं। इसलिए कि कायदे कानून के अंदर इस तरह की बातें करना कानूनन जुर्म है, इसी बेस पे एफआईआर भी हुई है। इसलिए ऐसे मामलों के अंदर थोड़े और सख्त कानून आने चाहिए, कानून में प्रोविज़न होना चाहिए, तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि ऐसी कोई बात आइंदा न कर सके। जैसे बहुत से दोषियों और मुल्कों में ऐसा हो चुका है, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह का आपके सामने मैटर है कि इस तरह के कानून में तब्दीलियां और सख्ती लाई गई है ताकि मजहबी मामलात को छल करके मुल्क के मसाइल को और मुल्क की तरक्यात को रोका जाए और इस तरह के मामलात खड़े किए जाएं। उसको रोकने के लिए मजबूत कानून की ज़रूरत है जो सरकार की और कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं गौर फिक्र करके आइंदा किस तरह के हालात को रोकने की कोशिश करें। इस तरीके के बयानबाजी से नौजवानों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, उसको लेकर क्या है? नौजवानों में क्या, हर मुसलमान में गुस्सा ये उसका मजहबी एक तरीके से हक है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से जितना बड़ा और सेंसिटिव मैटर है, अगर ये मसला किसी अदर कम्युनिटी का होता तो हो सकता था कि कई फसादात हो जाते। ये गुस्सा फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन कानूनी कार्रवाई हुई है तो इससे हमें उम्मीद है कि उनको सज़ा होगी और हम यकीन करते हैं डिपार्टमेंट पर भी और अदालत पर से भी उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई की जाए। और नई कार्रवाई होगी तो फिर इसके क्या कहते हैं दूसरे हालात पैदा हो सकते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट पर और कानून चलाने वालों पर होगी। पहली बात तो मैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन का थैंक्स बोलूँगा कि सीनियर ने इसकी सेंसिटिविटी समझते हुए एफआईआर दाखिल किया, लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि ऐसे हर इलाके में हर मुस्लिम इलाके में उलमा आगे आए और एफआईआर दाखिल करवाए कि ये छोटी बात नहीं है। बार बार हो रहे हमले, इस पर हम लोगों को मजबूती से आना पड़ेगा। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है कि भाई हमारे धार्मिक मामलों में उनको बोलने का कोई हक नहीं है, तो उस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की थी सारे सेक्शंस जो हमने बताए 153A, फिर 298A, 295A, 5025 में टू पार्ट में एफआईआर दाखिल की है। एफआईआर नंबर है 528-2022 मुंब्रा पुलिस स्टेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और भी इलाकों में कि हम लोग रोड पे एहतजाज करते हैं, उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोसीडिंग को फॉलो करें और उसके तहत हम कानूनी लड़ाई लड़ें। इंशाल्लाह आगे भी फॉलोअप लेंगे, अल्लाह का एहसान है कि एफआईआर हुई है।